जवान जय किसान, मैं हूं शैलेंद्र कौरव। आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गुरु जी। आप देख सकते हैं ये जॉनडियर का 50-50D धान का खेत है और काफ़ी कड़ी मिट्टी है। उसके बाद भी ये 50 HP का जॉनडियर काम देखिए आप कितनी ज़्यादा मिट्टी पलटा रहा है। काफ़ी कड़े खेत हैं यहाँ के, काली मिट्टी है। उसके बाद भी ये 50 HP का ट्रैक्टर 2 बॉटम प्लाव खींच रहा है। इसका रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं आप 50 HP का ये जॉनडियर ट्रैक्टर इतने अच्छे तरीके से इस मिट्टी में इसलिए चल रहा है क्योंकि ये 4-व्हील ड्राइव है। आप खुद देख सकते हैं, अगर 2-व्हील ड्राइव 60 HP ट्रैक्टर भी होता तो इतनी आराम से नहीं चल पाता जितने आराम से ये चल रहा है। 4-व्हील का यही फ़ायदा है, जब ट्रैक्टर आगे से दम लगाता है तो अपने आप पुलिंग पावर जो होती है ट्रैक्टर की दुगनी हो जाती है। भरोसा मानिए आप, 60 HP का ट्रैक्टर भी अगर 2-व्हील ड्राइव होता तो इतने आसानी से बिल्कुल भी नहीं चल पाता जितने आसानी से ये चल रहा है। देखिए आप, कोई भी RPM ड्रॉप की समस्या नहीं है ट्रैक्टर में और पूरा पूरा प्लाउ लग रहा है ज़मीन में। ऐसा नहीं है कि प्लाउ लग नहीं रहा है, काली मिट्टी है और बहुत ही कड़ा खेत है, देख सकते हैं। ये फ़ायदा होता है 4-व्हील ड्राइव का। किसान चाहे कितना भी छोटा ट्रैक्टर ले, लेकिन 4-व्हील ड्राइव ही लेना चाहिए। भले ही 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए ऊपर लगें, लेकिन आगे आने वाले समय में जो 8 से 10 साल हैं उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखते हैं, हम कोशिश करते हैं इसे 2-व्हील में चलाने की, चल पाता है या नहीं चल पाता है। ये हमने 4-व्हील बंद कर दिया इसका, अब ये 2-व्हील पे चल रहा है। अब देखते हैं कैसी क्या परफॉर्मेंस रहती है। देखिए, ये केवल पीछे के टायर दम लगा रहे हैं। देख सकते हैं आप, जैसे ही 4-व्हील बंद किया है ट्रैक्टर में स्लिपेज की समस्या आने लगी है। और देखिए कितने राउंड ले रहा है ट्रैक्टर, देखिए खींच नहीं पा रहा है। अब बार बार हाइड्रोलिक को छेड़ना पड़ेगा। ऑन कर लो, लगा लो 4-व्हील। हाँ देखिए, अब आप जैसे ही 4-व्हील ऑन किया है देख सकते हैं आप स्पीड ट्रैक्टर की कितने अच्छे से बढ़ रहा है और कितने तेजी से काम कर रहा है। तो क्या होता है, जैसे ही आप 4-व्हील बंद कर देते हैं तो प्लाव जो होता है ज़्यादा नीचे बैठता है, ट्रैक्टर खींच नहीं पाता है और ड्राइवर को बार बार हाइड्रोलिक को छेड़ना पड़ता है जिससे ट्रैक्टर में एक सी गहराई नहीं मिल पाती है। और जब हम 4-व्हील पे चलाते हैं तो ट्रैक्टर RPM ड्रॉप भी कम करता है और खेत भी जल्दी कर देता है। ये खेत अगर ये 2-व्हील ड्राइव से करेंगे तो लगभग 3 घंटे लगेंगे और 4-व्हील ड्राइव से करेंगे तो लगभग 2 घंटे में ये हो जाएगा। अब एवरेज की बात करें, अगर 2-व्हील ड्राइव लगभग 4-4.5 लीटर खाएगा और 4-व्हील ड्राइव अगर 5 लीटर खाएगा तब भी 1 घंटे का, लगभग आधे से 1 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। उसमें डीजल की बचत होगी और ट्रैक्टर की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। इसीलिए जब भी खरीदें 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ही खरीदें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऊपर दी गई प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।